हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द असेस दैट मेड ट्रेस ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना किसी चीज का, और असेस का मतलब होता है राख। राख से जो पेड़ जो है बिल्कुल खिल उठते हैं, जैसे खाद डालते हैं ना ऐसे, तो वो असेस जिससे जो है पेड़ बिल्कुल खिल जाते हैं। चैप्टर बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस चैप्टर में क्या है, एक फार्मर है जो कि बहुत ही अच्छी नेचर का है, और दूसरा फार्मर जो है उसकी नेचर अच्छी नहीं है, तो इन दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया कि भाई अच्छी नेचर कहाँ मायने रखती है। राइटर है इसके विलियम इलियट ग्रिफिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। मतलब पहले जो दो पैराग्राफ है उसमें एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य, क्या क्या मतलब प्रमाण मिलते हैं कि भी जो ओल्ड फार्मर है वो बहुत ही दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, दयालु पर्सन है। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। बट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी जो ये काइंडनेस है यानी कि जो उसकी दयालुता है वो कहाँ दिखती है हमें। आंसर इज द ओल्ड फार्मर हैड ए लिटिल डॉग नेम्ड मोको। जो ओल्ड फार्मर है उसका एक छोटा सा कुत्ता है जिसका क्या नाम है, मोको। मोको का किसका नाम है, उसके कुत्ते का। किसके कुत्ते का, जो ओल्ड फार्मर है जिसकी अच्छी नेचर है। ही लव्ड इट लाइक हिज ओन बेबी, वह अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है जैसे अपने बच्चे को करते हैं, कोई बच्चे की तरह प्यार करता है उसे। ही फेड द डॉग विद स्मॉल पीसेस ऑफ फिशेस, फिश एंड बॉइल्ड राइस। वो कुत्ते को छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं फिश के और जो बॉइल्ड राइस होते हैं उसके देता है। ही वॉज पेशेंट एंड काइंड। पेशेंट होता है बिल्कुल शांत, काइंड होता है दयालु, मतलब वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और दयालुता दिखाता है, दया दिखाता है टू ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित चीजें हैं, कीड़े मकोड़े लगा लो, आप पक्षी लगा लो, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के प्रति ये जो ओल्ड फार्मर है ये बहुत ही ज्यादा दयालु है। This shows that, और ये दिखाता है कि जो ओल्ड फार्मर है वो एक काइंड पर्सन, वो एक बहुत ही ज्यादा दयालु आदमी है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। भाई कुत्ता क्या करता है किसान को जो छिपा हुआ सोना है वहां तक ले जाने के लिए। इस चैप्टर में क्या होता है, कुत्ता उनका जो बूढ़े किसान का कैसे सहायता करता है, उसको सोना कहीं जमीन में छिपा हुआ है वो बता देता है। तो आंसर है द गोल्ड वेंट रनिंग, द डॉग जो कुत्ता है वेंट रनिंग, भागा भागा जाता है कहाँ पर, टू द फार्मर, किसान के पास। ही पुट हिज पॉज, वह अपने पंजे लगाता है अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके पैरों में, यानी कि पैरों में जाके पंजे मारना शुरू कर देता है। एंड मोशन विद हिज हेड टू सम स्पोर्ट बिहाइंड, और अपने सिर से इशारा करता है कि भाई पीछे कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट का मतलब कोई स्थान है पीछे, उसकी साइड चलो आप। इट वॉज द प्लेस, और ये वो जगह थी वेयर द गोल्ड वॉज हिडन, जहां पर सोना जो है छिपा हुआ था। यानी कि कुत्ता जो है अपने मालिक को एक ऐसी जगह लेके जाता है जहां नीचे जमीन में सोना छिपा हुआ है, और वो इसको यहां से खोदना शुरू कर देता तो नीचे से सोना निकलता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्प्रिट ऑफ डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। अब जो ये कुत्ता है चैप्टर में ये क्या करता है, ये अपने मालिक को सोना बता देता है कि यहाँ पर सोना है, तो उसका जो पड़ोसी है वो कुत्ते को ले जाता है कि भाई मरते ही भी बता, हमें भी चाहिए सोना। वो उसको बहला फुसला के अपने घर ले जाते हैं, अपने बगीचे में कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें कहीं सोना बताओ। कुत्ता नहीं बता पाता, कुत्ता उसको ऐसी जगह बता देता जब बिल्ली दबी हुई पड़ी है, और वो गुस्से में जब बिल्ली निकलती है, जब वो खोदते हैं, तो उसका जो पड़ोसी होता है जो बैड नेचर, जिसकी नेचर अच्छी नहीं है, जिसमें गुड क्वालिटीज नहीं है, वो किसान उससे कुत्ते को मार देता है। तो स्प्रिट क्या होती है, आत्मा, मरने के बाद कैसे उसकी कुत्ते की आत्मा ने जो है अपने किसान का, जो पहला किसान था, जो उसका मालिक था, उसकी सहायता की। स्प्रिट का मतलब क्या होता है, आत्मा। फर्स्ट द स्प्रिट ऑफ डॉग हेल्प द फार्मर टू गेट ए फुल टब ऑफ गोल्ड। पहले तो कुत्ते की आत्मा ने क्या किया कि अपने मालिक को जो है एक टब, जैसे उसने जो टब बनाया था उसको बिल्कुल सोने से भर दिया। टब किसका बनाया था बेटा, टब उसने एक लकड़ी का ओखली बनाई थी, और ओखली में जब भी उसने चावल डाल के उनको पीसा, मतलब चावलों को पेस्ट बनाया, तो वो पेस्ट किस में बदल गया था,
गोल्ड में बदल गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, मतलब एक बार तो उसने ऐसे हेल्प की कि सोने को जो है ओखली में सोना बन गया था, और कैसे हेल्प की कुत्ते की आत्मा ने अपने मालिक की। नेक्स्ट द फार्मर मेड ए ड्राई चेरी ट्री ब्रश इनटू ब्लॉसम, जो अब उसने ओखली बनाई तो ओखली का क्या किया, जो वो गंदा किसान था मतलब बैड नेचर वाला जो किसान था, उसने उस ओखली को जो लकड़ी से बनी हुई थी उस ओखली, ओखली ऐसे होती है बेटा ये ऐसे कुंडी कह सकते हो जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते, तो इसमें ऐसे लकड़ी का एक मूसल कह लो, या इसको लकड़ी से इसमें ऐसे कूटते हैं हम किसी चीज को। तो अब दूसरे किसान ने इसको क्या कर दिया, जला दिया। जलाने से क्या बनेगी, राख बनेगी। तो पहले तो जब वो अच्छे किसान ने इसमें चावल कूटे थे तो वो क्या बन गए थे, सोने की। अब जो बुरी नेचर वाला था उसने इसको जला दिया तो ये क्या बन गई, राख। अब कहते कैसे हेल्प की राख ने उसकी, तो जो राख थी उस ब्रश इनटू ब्लॉसम, उसने क्या किया, चार किसान ने जो है उसे एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर डाल दिया राख को। जैसे ही सूखी राख को पेड़ के ऊपर डाला तो वो बिल्कुल खिल गया, ब्लॉसम मतलब उसमें फूल आ गई। दिस हैपेंड व्हेन ही स्कैटर्ड ए पिंच ऑफ आशीष ऑन द ट्री, कब हुआ ये, जब उसने ये जो राख थी उस ओखली की बनी हुई उसकी एक चुटकी राख इस पेड़ के ऊपर डाल दी। द फार्मर वॉज रिचली रिवॉर्डेड फॉर हिज वंडरफुल एक्ट, और जो उनका राजा था डायनमो, जो राजा था उनका जब वहां से गुजर रहा था तो उसने किसान को ये देख के भाई सूखे पेड़ पे इसने थोड़ी सी राख डाली और वो खिल गया, तो इस काम के लिए उसे बहुत ज्यादा धन दौलत दी गई कि भाई इसे तो बहुत अच्छा काम किया है। तो कुत्ते की आत्मा ने दोबारा उसकी हेल्प ऐसे की। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द डायनमो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब देखो जब किसान ने उसके ऊपर पेड़ के ऊपर राख डाली तो डायनमो ने क्या किया, उसको इनाम दिया, लेकिन दूसरे पड़ोसी ने जब उसी राख को जो है उस पेड़ के ऊपर डाला तो डायनमो ने उनको जो है सजा दी। क्यों किया ऐसा, आंसर इज डायनमो अंडरस्टूड, डायनमो समझ गया था दैट द फार्मर वॉज प्योर एट हार्ट, भाई जो पहला किसान था वो दिल से बड़े साफ था, वाइल हिज नेबर, जबकि उसका जो पड़ोसी था वो क्या था, वो ग्रीडी था यानी कि लालची था। दैट इज वाई, इसीलिए ही रिवार्डेड द फार्मर, उसने किसान को जो है इनाम दिया, बट पनिश द नेबर, लेकिन उसके पड़ोसी को जो उसने है दंड दिया। अब उसने दंड क्यों दिया, क्योंकि जो उसका पड़ोसी था उसने जैसे ही राख को मतलब जैसे पेड़ है पेड़ के ऊपर उसने राख को डाला तो पेड़ में कोई ब्लॉसम नहीं हुआ, पेड़ जो है उस पे कोई फूल नहीं आए, बल्कि वो राख उड़ के कहाँ चली गई, डायनमो और उसकी बीवी की नाक में चली गई, जिसके कारण जो राजा था वो छींक छींक के, उनको एलर्जी हो गई, छींक आ गई, तो राजा को गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने उसके पड़ोसी को सजा दी। जबकि उस किसान ने पेड़ के ऊपर जैसे ही राख डाली थी तो उसपे फूल खिलने शुरू हो गए थे, और डायनमो ये देख के बहुत खुश हुआ तो उसने उसे इनाम दिया था। कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग, उसके पड़ोसी ने जो है कुत्ते को क्यों मारा, द ग्रीडी कपल वॉन्टेड टू गेट गोल्ड, वो जो लालची जोड़ा था पति पत्नी थे वो सोना चाहते थे, बट डॉग शोड देम, लेकिन कुत्ते ने उन्हें कैसी जगह दिखा दी थी, एक ऐसा स्पॉट दिखा दिया था जहां पे मरी हुई डेड किटन, मरी हुई बिल्ली थी, उसको दबा रखा था इन्हें फिट ऑफ एंगर, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि भाई उसको तो सोना बता दिया, हमें मरी हुई बिल्ली बता रहा है इन्हें फिट ऑफ एंगर, इसीलिए गुस्से में दे किल्ड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को मार दिया। मार्क द राइट आइटम्स, मतलब इनमें से हमें ठीक बताना है कि ठीक कौन सा है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, वो जो बूढ़ा किसान था और उसकी पत्नी कुत्ते को बहुत प्यार करते थे, क्यों, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन के काम में सहायता करता था, एज इफ इट वर देयर ओन बेबी, ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा हो, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, जैसे वो सभी जितने भी लिविंग एनिमल्स थे उनके प्रति दयालु थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब जो किसान था बूढ़ा किसान था वो अमीर बन गए तो उन्होंने दे क्या किया, गेव द डॉग बेटर फूड, उन्होंने कुत्ते को अच्छा खाना दिया, इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर टू फीस्ट, उन्होंने अपने पड़ोसी को जो है खाने पर बुलाया, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर, वो बड़े आराम से रहे और जो उनके पड़ोसी थे जो गरीब थे उनके प्रति वो बड़े उदार रहे, जेनरस का मतलब होता है
उदार, यानी कि जो औरों की दया करता है, उदार, जो औरों के प्रति अच्छी फीलिंग रखता है। नेक्स्ट इज द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो लालची कपल था उसने क्या किया, जो चक्की थी और जो उस चक्की का मतलब जो ओखली बनाई हुई थी हमने, ऐसे जैसे कुंडी टाइप होते हैं, और इसके अंदर एक लकड़ी से जो है हम कूटते हैं, इसे हम मोटर कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिल। तो वो जो लेके गए, उन्होंने क्या किया इसका, जो कपल लेके गया था लालची, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस बनाने के लिए लेके गए थे, मैजिक अस टू विन रिवॉर्ड्स, उससे जो है मैजिक राख बनाने के लिए लेके गए थे, ए पाइल ऑफ गोल्ड, वो किस लिए लेके गए थे, वो चाहते थे कि भाई जैसे ही इसने इसमें चावल डाले और वो चावल जो है गोल्ड में बदल गया, तो हमारा भी जो चावल गोल्ड में बदल जाएगा, तो वो गोल्ड का ढेर प्राप्त करने के लिए चक्की मांग के लेके गए थे। बीडी आपको कैसे लगी, अच्छे लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।